देहरादून पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरेली निवासी फुरकान और मोहम्मद फरमान को 104 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जब्त की गई स्मैक की कीमत 31,40,000 के आसपास की है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो जल्दी पैसा कमाने के लालच में अवैध मादक पदार्थों की अलग अलग स्थान पर तस्करी करते हैं। उनके द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया और शिक्षण संस्थानों को टारगेट किया जाता है, जहां पर उन्हें मादक पदार्थों के मुंह मांगे दाम मिल जाते हैं। वो लोग बरेली से सस्ते दामों पर स्मैक खरीद कर उन्हें ऐसे स्थान पर बेचते हैं जिससे उन्हें काफी मुनाफा हो जाता था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता का। दो जगह है, एक तो जो कॉलेज और स्टूडेंट्स का एरिया है जहाँ पर इनको ये इजीली अपने ग्राहक मिल जाते हैं, और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें भी जहाँ तक ज्यादातर बाहर के लोग आ रहते हैं वो भी नशे की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है, तो उन्हीं दोनों को ये टारगेट करते हैं। और इसी क्रम में हमारी टीम इसी क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव रहती है, तभी इन लोगों को हम आज इनको अरेस्ट करते हैं।